दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के पेंशन भोगियों को पेंशन ना मिलने की खबर हमने आज ही दिखाई और कुछ ही घंटे में उसका असर हुआ। उन्हें पेंशन की पहली किश्त आज ही जारी कर दी गई। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अभी अभी की बड़ी खुशखबरी। पेंशन पर एनएससी की टीम का नया नोटिस जारी। 65 लाख पेंशन धारकों का पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार हुआ खत्म। अब कितनी मिलेगी आपको पेंशन? तो आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। एनएससी की टीम के यानी अशोक रावत के द्वारा पेंशन धारकों को बहुत बड़ा आश्वासन मिला है। फिलहाल हमारे साथ अशोक रावत जी जुड़ चुके हैं, उनसे लाइव बात करेंगे पेंशन को लेकर कि अब पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। 8,500 रुपए, 7,500 रुपए या फिर 9,000 रुपए आपकी पेंशन बढ़ेगी। साथ में अन्य आपकी मांगे थी कि मेडिकल की सुविधा है, हायर पेंशन है, तो इन कौन कौन सी सुविधाओं का आपको साथ में पेंशन का फायदा मिलेगा, पेंशन आखिर कब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आप सभी पेंशन धारकों के लिए कमांडर अशोक रावत से लाइव जानेंगे कि पेंशन को लेकर आखिर क्या फैसला होने वाला है और कितनी बढ़ेगी आपकी पेंशन। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या पेंशन को लेकर फैसला किया है, तो यहाँ पर पेंशन से जुड़ा यह फैसला जो कि ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है, इसकी भी आगे सच्चाई जानेंगे। तो कमांडर अशोक रावत ने जो पेंशन को लेकर कहा है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होने वाला है, उसके बाद जानेंगे कि एनएससी की टीम के द्वारा पेंशनर्स से मुलाकात में क्या कहा है और पेंशन आपकी क्या बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले पेंशन से जुड़ा यह सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा नया फैसला बताया जा रहा है, इसकी यानी क्या पूरी सच्चाई होने वाली है। तो यहाँ पर किसी भी बैंक से आप पेंशन ले रहे हैं तो बदल जाएंगे आपके नियम, तो ऐसी जानकारी भी बताई गई है और ईपीएस पेंशन पर ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। तो अभी 10 मिनट पहले की बहुत बड़ी खबर मिली है पेंशन धारकों के लिए, ताजा खबर है कि आपकी पेंशन को लेकर जल्द फैसला हो सकता है। तो जल्द फैसला कैसे होगा आइए जानते हैं। तो इसलिए उनको या तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबर बना के उनको जो सहूलियतें बाकी लोगों को है उनको दिया जाए या फिर उन्हें प्लेन 5,000 रुपए महीना एक दिया जाए, क्योंकि कई राज्यों में तो वृद्धापकाल की पेंशन 2,500 से ऊपर है और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अंशदान किया है भाई, तो जिसने कुछ नहीं किया उसको 2,500, पुलिस के कुत्तों को 3,000 पेंशन है। आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बड़ी जानकारी देखने को मिली है कि आप सभी की पेंशन से जुड़ा मामला सेटलमेंट को लेकर विचाराधीन मामला था, जिसको लेकर बड़ी खबर मिली है कि यहाँ पर मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से विचाराधीन था। जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाता है तो तत्काल पेंशन को लेकर नया नियम लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि 15,000 रुपए की सेटलमेंट हटाने के लेकर यानी जो फैसला है जिसको लेकर यहाँ पर अपडेट मिली है, तो ये मांग कर्मचारी पेंशनर्स के द्वारा काफी लंबे समय से की जा रही थी। तो कर्मचारियों के हाथ में कम से कम अगर ये वेतन लिमिट आपकी खत्म हो जाती है 15,000 रुपए का नया वेतन लिमिट 20,000 रुपए लागू होता है तो आपको 8,571 रुपए तक पेंशन मिलेगी। और साथ में ये वेतन लिमिट हटाने का मामला काफी लंबे समय से भी लंबित था, तो आपको बता दें फिलहाल अधिकतम पेंशन के वेतन सिर्फ 15,000 रुपए प्रतिमाह तक निर्धारित है, यानी कि आपकी सैलरी चाहे जितने भी हो लेकिन पेंशन की गणना वेतन यानी कि सिर्फ 15,000 रुपए के ही यानी कि हिसाब से माना जाएगा, चाहे आपका 20,000 रुपए का वेतन हो, मूल वेतन चाहे 1,00,000 रुपए का भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर इसको लेकर इनके हटाने को लेकर मांग काफी दिनों से चल रही थी, इसको लेकर मामला भी कोर्ट में चला था लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया था। तो सूत्रों का दावा है कि इस बार फैसला जो सब्सक्राइबर है ईपीएस पेंशन धारक के उनके फेवर में आने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो पेंशन दुगना या 3 गुना या फिर 9 गुना तक की पेंशन को लेकर इनकी संभावना बताई जा रही है कि पेंशन बढ़ सकती है। तो इस तरह की आपकी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर बताई जा रही है आपकी पेंशन को लेकर। अगली बड़ी खबर आ रही है पेंशन को लेकर, यानी कि आपकी जो पेंशन की राशि उसे 9 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। तो सरकार के निर्देशों के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस बारे में बकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कहा जा रहा है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि सरकार न्यूनतम पेंशन 9 गुना करने जा रही है। इस बारे में श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर मंगलवार को ईपीएफ बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद सभी पेंशनधारक उनकी पेंशन की राशि में 9 गुना तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। यहाँ पर आपकी पेंशन की राशि को इनकी 9 गुना करने के पीछे सरकार का मकसद है कि पेंशन धारकों की सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है उसको मजबूत करना और मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इसी बढ़ से इम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि जो ईपीएस 95 65 लाख पेंशन धारक उन सभी को उसका सीधा ही फायदा होगा। अगर बात करें तो यहाँ पर पेंशन की राशि 3 चरणों के अंदर बताई जा रही है कि आपकी बढ़ेगी। जैसा कि आप सभी 18 लाख पेंशन धारक ईपीएस के उन सभी की पेंशन की राशि 1,000 रुपए की जगह 5,000 रुपए की मिलेगी न्यूनतम पेंशन उनको, यानी कि 18 लाख पेंशनर से ईपीएस के उनको। यहाँ पर आपके लिए शर्त यह होने वाली है तो आपकी जो एज है वर्तमान में 58 साल से अधिक होनी चाहिए। अगर आप एक रिटायर्ड कर्मचारी और आपकी 65 वर्ष से एज कम है तो फिर आपको यह राशि मिलेगी 5,000 रुपए की मिनिमम पेंशन। और इसी तरह देखा जाए तो यहाँ पर 22 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक उनको पेंशन मिलेगी 7,500 रुपए की महीना। तो यहाँ पर यह शर्त है कि उनकी एज 65 से 75 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी इन अवधि के बीच में एज है आप तो पेंशन 7,500 प्लस एडीए की पेंशन आपको मिलेगी। और बात करें तीसरी लिस्ट का तो या तीसरा यानी कि यहाँ पर इस तरह का अपडेट बताया जा रहा है तो यहाँ पर 25 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक उनको 9,000 प्लस एडीए की पेंशन मिलेगी। तो यानी कि उनके लिए ये एज यानी कि जो लिमिट रहने वाली है तो उनका
वर्तमान में एज इनकी 75 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 80 वर्ष है या फिर तो चलेगा, लेकिन उनकी एज वर्तमान में इनकी 75 वर्ष से अधिक होना चाहिए तो फिर 9000+ एडीए की पेंशन है, मेडिकल है, हायर सुविधा, यह सारी आपको लाभ यानी कि इन सुविधाओं का मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपकी जो एज को लेकर यहाँ पर इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि पेंशन की राशि आपकी 3 चरणों में बढ़ सकती है, तो फिलहाल इस स्कीम के जरिए सिर्फ 65 लाख ही पेंशनर्स को फायदा मिलेगा, ऐसी जानकारी बताई जा रही है। तो इस तरह की आपकी पेंशन को लेकर जानकारी बताई जा रही है, और जो एनएससी की टीम जो पेंशन से मुलाकात करने के बाद पेंशन धारकों ने एनएससी की टीम को पेंशन को लेकर क्या कहा है कि उनकी पेंशन कब बढ़ाई जाएगी, कितनी बढ़ेगी, पेंशन धारकों ने क्या मांग की है, आइए जानते हैं उस मांग को भी। तो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के जो कामगार है, पेंशन से बुजुर्ग पेंशन धारक है, जो ईपीएस के पेंशन धारक है, उन्हें जो यानी जो 1000 रुपए की पेंशन अब वर्तमान में मिलती है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगार है जो पेंशनर्स है सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके पास कोई भी कमाई का जरिया नहीं होता है, जैसा कि वो रिटायर्ड कर्मचारी हो जाता है तो उसके बाद उसका जो पेंशन एक कमाई का जरिया होता है, अगर पेंशन भी बहुत कम मिलती है तो उसका यानी कि जीवन यापन करना भी बेहतर यानी कि नहीं होता, यानी कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वैसे में उनका बेटा वो भी उनसे घर से बाहर निकाल देता है जो पेंशनर्स है उनको, क्योंकि उसके कमाई का जरिया बंद हो जाता है, जिसके कारण पेंशन धारकों ने कहा है कि यहाँ पर सरकार उन्हें जो 1000 रुपए की पेंशन देकर के तृप्त हो जाती है, और उनके भोजन है, वस्त्र है, आवास है, मेडिकल है, इन तमाम जो जरूरतें उनको भी पेंशन धारक कहां से 1000 रुपए की पेंशन से पूरा करेगा। तो वर्तमान में महंगाई को देखे तो 1000 रुपए की पेंशन जो मामूली राशि है, जिससे पेंशन धारक अपना सही समय पर यानी कि भोजन है वो वस्त्र ही लेकर यानी कि खरीद नहीं सकता है, तो पेंशन धारकों ने कहा कि मेडिकल की सुविधाएं और पेंशन धारक के उन्होंने मांग की मिनिमम पेंशन की राशि जो 1000 रुपए की मिलती है उसे बढ़ा करके 7500 रुपए के साथ में उन्हें डीए मिले, यानी कि डीएनएस अलाउंस का भी फायदा मिले। तो यानी कि पेंशन धारकों ने यह सरकार से मांग किया कि जो सारी सुविधाएं पेंशन धारक उनको दी जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशन धारक वो आसानी से यानी कि अपना जीवन यापन कर सके। किंतु जो यानी कि चिकने जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि जो विधायक के सांसद है उनको प्रत्येक टर्म जो यानी कि उसकी सामाजिक सेवा के लिए मोटी रकम दी जाती है और सुविधाएं जीवन भर उन्हें मुहैया कराई जाती है, जबकि इसका यहाँ पर कोई भी पेंशन के लिए यानी कि योगदान नहीं होता, फिर भी उन्हें ये सारी सुविधाएं सरकार देती है। लेकिन जो पेंशन धारक है, बुजुर्ग पेंशन धारक जिन्होंने अपनी सेवा करते समय यानी कि नौकरी करते समय पैसा जमा किया, अंशदान किया है, फिर भी उन्हें जो पेंशन नहीं मिलती है। तो इस तरह का जो यानी कि जो पेंशन धारकों ने कहा है कि जो गरीब बूढ़े पेंशनर्स है वो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में यानी कि जो सूखी रोटी खाकर के गुजारा करने वाले इन कामगार बुजुर्गों को अंशदान करने के बावजूद भी 1000 रुपए की पेंशन दिया जाता है। जो पेंशन धारकों की जो मांग है एनएससी की टीम के द्वारा की गई है और सरकार से भी मांग की गई, सरकार मिनिमम पेंशन की राशि में इजाफा करे, साथ में मेडिकल की सुविधा पेंशनर्स को दिया जाए और हायर पेंशन को लेकर भी पेंशन धारक मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिसके चलते पेंशन धारकों ने कहा कि उन गरीब बूढ़े पेंशनर्स को कोटी के अंदर रखकर के उनकी सारी सुविधाएं छीन ली जाती है, जो देश के अन्य गरीब बूढ़े लोग उनको सरकार चटाती रहती है, तो इस अजब का खेल है इस गजब के लोकतंत्र में। तो यहाँ पर पेंशन धारकों ने इस तरह का जो पेंशन धारक है उन्होंने मांग करते हुए एनएससी की टीम से मुलाकात करने के बाद पेंशन को लेकर कहा है। तो यहाँ पर आपकी पेंशन को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक तो घोषणा नहीं ये कि आपकी पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं, जो पहले एक यानी कि अपडेट मिली थी आपकी वेतन लिमिट है जो आपका 15000 रुपए जिसे बढ़ा करके 21000 रुपए करने को लेकर अपडेट मिली थी। तो यहां पर कहा गया जो केंद्र में अब नई सरकार आएगी उसके द्वारा इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है। तो फिलहाल इस तरह की आपके लिए 8 दिनभर की अपडेट होने वाली है, जो कि फैसला अभी लंबित है। पेंशन जुड़ा सुप्रीम कोर्ट में 15000 रुपए की वेतन लिमिट खत्म करने को लेकर हो या फिर ईपीएस मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पहले पेंशन धारकों को कई आश्वासन मिले थे, लेकिन अभी फिलहाल पेंशन को लेकर जो पेंशनर्स की मांगे वो लंबित है, जिसको लेकर अब उम्मीद की जा रही है केंद्र के अंदर जो नई सरकार आएगी उसके द्वारा इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है। सरकारी अधिकारी ने जो एनएससी की टीम से यानी कि मुलाकात करने के बाद इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि आपकी जो पेंशन बढ़ सकती है, लेकिन कोई कंफर्म अभी तक अपडेट नहीं मिली है, और जो पेंशन धारक मांग करे उनकी मांग भी अभी जारी है। और जो पेंशन धारकों की वेतन लिमिट को लेकर कहा गया था, साथ में यह भी कहा गया था कि वेतन लिमिट बढ़ाने को लेकर सरकार के अंदर और ईपीएफ के अंदर तैयारी चल रही है, लेकिन साथ में अभी वेतन लिमिट फिक्स कितना लागू किया जाएगा 20000 रुपए होगा 21000 रुपए, इसको लेकर सरकार से और ईपीएफ से कन्फर्म नहीं किया गया। यह पेंशन धारक मांग करे कि 21000 रुपए की जो वेतन लिमिट लागू की जा सकती है, तो लेकिन सरकार ने घोषणा अभी तक जारी नहीं की है।